आपने जो मेरी तारीफ कर दी ना, मुझे हार्ट अटैक होते होते बचा है। हार्ट अटैक होने वाला था मुझे कि ये विपक्ष के नेता राजकुमार भाटी जी मेरे बारे में कह रहे हैं कि नाविका कुमार कभी ऐसी वैसी बात नहीं करती, मुद्दे की बात करती है। अरे भैया, मुझे तो लगता है सीधा यहाँ से अस्पताल जाऊंगी, अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट चेकअप सब करवाऊंगी कि राजकुमार भाटी जी, ये जो थोड़ी सी आपने मेरे में थोड़ी सी कहीं काबिलियत देखी है, ये दूसरा हार्ट अटैक, ये दूसरा हार्ट अटैक हुआ मुझे। एकदम दर्शकों दिल थाम कर बैठी है, ये मेरा दूसरा हार्ट अटैक है। मुद्दों पर नोकझोंक हमारी बिल्कुल बहुत होती है, लेकिन आज आपने दूसरी बार तारीफ कर दी, अब तो मुझे अस्पताल जाना ही पड़ेगा। लेकिन हर्षवर्धन अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तत्परता के साथ जनता की समस्याओं का समाधान में जुटे हुए हैं और पूरी सरकार एकजुट होकर के चल रही है। किसी सरकार के अवयव ने परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की है। ना कभी केशव जी ने कोई बयान मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिया है, ना मुख्यमंत्री ने कोई बयान केशव जी के विरुद्ध दिया है, ना पार्टी अध्यक्ष ने कोई बयान मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिया है। ये सारी बातें हमने और राजनीतिक दलों में देखी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की संस्कृति लेकर नहीं चलती है। राकेश त्रिपाठी जी, लंबी सांस लीजिए, एक ग्लास पानी पीजिए। सही पकड़े हैं, क्योंकि इतना कुछ तो मैंने पूछा ही नहीं था जितना आपने मुझे समझा दिया। मैंने सरकार में बदलाव की बात ही नहीं की थी, आपने सरकार की बात बता दी। अब डेप्यूटी सीएम मिल रहे हैं, अध्यक्ष पार्टी के उत्तर प्रदेश के मिल रहे हैं, तो मैंने तो पार्टी की बात की थी, सरकार को आप बीच में ले आए। और जब आप कहते हैं कि कभी समाजवादी पार्टी का एनालिसिस नहीं हुआ, भैया भूतकाल में सब हुआ, लेकिन अब तो वर्तमान है ना, और भविष्य की तरफ जाना है तो वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे हैं। भूतकाल को अब छोड़ आए हैं ना, चुनाव हो गए, खत्म हो गए, और 17, 22, 19 सब भूतकाल में चले गए। अब वर्तमान की स्थिति पूछ रही हूं कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो आप बता नहीं रहे। आपने इतना कुछ बताया कि मुझे लगा कि एक ओवर में 6 छक्के जब बैट्समैन मारता है तो शायद इतना दम नहीं लगता जितना आपको आज बीजेपी को संरक्षण देने में लग गया। राजकुमार भाटी जी, ये सब आप ही की कारिस्तानी है। समाजवादी पार्टी रोज कहीं ना कहीं इस तरह से चोट लगाती रहती है, पिन चुभाती रहती है। अब देखिए राकेश त्रिपाठी जी का सांस फूल गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राकेश त्रिपाठी जी का लंबा वक्तव्य और उस पर आपकी टिप्पणी, मुझे वो फिल्म का गीत याद आ गया कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। राकेश त्रिपाठी जी जलेबी बना के इधर उधर घुमा के कौन सी जो समाचार है जिसे छिपा रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि टाइम्स नाउ जैसे बड़े चैनल पर नाविका कुमार जैसी वरिष्ठ पत्रकार अगर चर्चा कर रही हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये बेबुनियाद नहीं हो सकता। इसमें कुछ ना कुछ कहीं दम जरूर है। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर सुलगी होगी। नाविका कुमार जी ऐसी बे सिर पैर की बातों पर चर्चा करके व्यर्थ समय व्यर्थ नहीं करना चाहती हूँ। अब आप हमें ब्लेम कर रही हैं कि हम क्यों इसमें चटकारे ले रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से हम हारे, तो वो अपना अति आत्मविश्वास तो बता नहीं रहे। उनका सीधा इशारा उस तरफ है जो 400 पार का नारा दे रहे थे, जो कह रहे थे मोदी की गारंटी, और अब की बार 400 पार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बात कह दी है कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। इनके पूर्व मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रहे मोती सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं मैंने 45 साल के राजनीतिक जीवन में थाना तहसील में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना अब इस समय देख रहा हूँ योगी जी के शासन में। तो हम चिंगारी हम सुलगा रहे हैं। इनके इनके सहयोगी हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं जब बुलडोजर चलेगा और मुठभेड़ें होंगी तो वोट कहाँ से मिलेंगे। तो बीजेपी की हार की समीक्षा तो यहाँ हो रही है। अभी आपने पीछे मुजफ्फरनगर और इसका जो कैरा ना सहारनपुर में मीटिंगें हुई इनके हारे हुए प्रत्याशियों की, और प्रत्याशियों ने स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने कहा कुछ जयचंदों की वजह से, गद्दारों की वजह से हम चुनाव हारे। बीजेपी में कितने गद्दार और कितने जयचंद भरे हुए हैं इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इनके दूसरे विधायक हैं, क्या नाम है उनका, मिश्रा जी, रमेश मिश्रा, वो कह रहे हैं यही हालात रहे तो 27 में जीतना बहुत मुश्किल है, 27 में बीजेपी नहीं जीत पाएगी। और इनके एमएलसी का बयान आ गया, चलिए 27 तो दूर है, आपने तो आपकी पार्टी ने तो कह दिया है कि 6 महीने में दिल्ली की सरकार भी निपट जाएगी। अब आप अपने से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, इतनी लंबी रेस लगा रहे हैं तो राजकुमार भाटी जी, लेकिन आज अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपने जो मेरी तारीफ कर दी ना, मुझे हार्ट अटैक होते होते बचा है। हार्ट अटैक होने वाला था मुझे कि ये विपक्ष के नेता राजकुमार भाटी जी मेरे बारे में कह रहे हैं कि नाविका कुमार कभी ऐसी वैसी बात नहीं करती, मुद्दे की बात करती है। अरे भैया, मुझे तो लगता है सीधा यहाँ से अस्पताल जाऊंगी, अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट चेकअप सब करवाऊंगी कि राजकुमार भाटी जी, ये जो थोड़ी सी आपने मेरे में थोड़ी सी कहीं काबिलियत देखी है, ये आप याद रखा करिए। आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं, तो राजकुमार भाटी जी गांठ बांध लीजिएगा और गांठ में ये याद रख लीजिएगा कि मैं उतनी भी बुरी नहीं हूं जितनी रोज आप कहते हैं। कभी
और गांठ में ये याद रख लीजिएगा कि मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ जितनी रोज आप कहते हैं कभी कभी। मुझे आप 10 सेकंड दें कृपया, मुझे 10 सेकंड दें। जी जी बिल्कुल ना नाविका जी, जी हमने केवल मुद्दे पर और विषय पर विरोध किया होगा, नाविका जी का विरोध मैंने कभी नहीं किया होगा। आप सीनियर पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकार हैं, इसे तो ये कोई गलत वो थोड़ी, आप कौन नहीं मानेगा। मैं तो लेकिन फिर कोई कह रही हूं, ये दूसरा हार्ट अटैक होगा, ये दूसरा हार्ट अटैक मुझे एकदम दर्शकों दिल थाम कर बैठिए, ये मेरा दूसरा हार्ट अटैक है। मुद्दों पर नोकझोंक हमारी बिल्कुल बहुत होती है, लेकिन आज आपने दूसरी बार तारीफ कर दी, अब तो मुझे अस्पताल जाना ही पड़ेगा। लेकिन हर्षवर्धन प्यारी समझ गई शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।